अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। बांदर सुंदरी थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में रहने वाले एक युवक ने कुछ लोगों पर रंजिश के चलते घर में घुसकर प्राण घातक हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित रामपुर बांदर सुंदरी निवासी राम निवास का आरोप है कि उसने मामले में बांदर सुंदरी पुलिस थाना को भी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिए उन्हें न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश होना पड़ा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी ऑफिस में शिकायत की है, जिन्हें अधिकारियों ने मामले में निष्पक्ष जांच होने का भरोसा दिलाया है। हम तो हमारे क्या घर पे परिवार वाले सो रहे थे, हम तो बाहर से आए थे, हमारे गांव वाले थे वो, तो दो तीन कैंपर भर के एक स्कॉर्पियो आई थी हथियार लेके, तो हमारे परिवार वालों ने हमला कर दिया, मेरे भाई के साथ, मेरे साथ, मेरी मदर के साथ, मेरी दादी के साथ, सभी के साथ, और पड़ोस में कोई छुड़ाने आया तो वहाँ पर भी हथियार चलावा ला गया अनशन तरीके में। बड़ा पापा आया, मम्मी आई, बहन आई, वहाँ पर भी चलावा ला गया हथियार, और उसके बाद में वो अगलो मुजरिम यार हमारी मम्मी ने केयर की, भाई संभाल लो तार लालन का मर चुकी होगा वो, तो संभाल लो के तारे मोटियार फोटियार ना सब ना कर, उसके बाद कहीं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटलों नहीं कोई दुश्मनी नहीं है, कोई छोटी मोटी मिंदर पर कोई बातचीत हुई थी, उसके अलावा कोई नहीं। रिपोर्ट दी बांस इंद्री तो सुनाई नहीं कर रहे हमारी, तो कुछ भी होएगी कार्रवाई होएगी होएगी ऐसे बोल रहे हैं। कितने दिन हो गए? चार दिन हो गए, दो तारीख की बात है ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 के राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ सेवा एवं स्थानीय निकाय विभाग मंत्रालय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गत 14 मई 2023 को आयोजित उक्त परीक्षा के संयुक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के कर्मचारी एवं स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारियों के पद आरक्षित हैं। इन आरक्षित पदों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त विभागों में कार्यरत तथा इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं को आयोग की वेबसाइट के एग्जाम डैशबोर्ड पर इंस्ट्रक्शन लिंक्स इंट लेटर सर्टिफिकेट्स में संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध प्रोफार्मा को डाउनलोड कर अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करवा कर 3 जून से 10 जून को रात्रि 12 बजे तक आवश्यक रूप से अपलोड करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में उक्त प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं उन्हें पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध अपने आवेदन को एडिट कर आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर सेक्शन में दिए गए मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई सेक्शन पर उपलब्ध मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई सर्टिफिकेट पर अपलोड किए जा सकेंगे। होली के हनुमान अपने आराध्य श्रीराम का पाठोत्सव 9 जून को मनाएंगे। 11 दिवसीय पाठोत्सव के दौरान वेद माता, गंगा माता, अन्नपूर्णा माता का पाठोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रसिद्ध भजन मंडल हर दिन प्रातः व सायं सामूहिक सुंदरकांड और भजन गायन होंगे। यज्ञ आहुति की सुगंध व श्रीराम के उच्चारण से 11 दिन लक्ष्मण डूंगरी गूंजायमान रहेगी। नरवर आश्रम सेवा समिति प्रन्यास के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि खोले के हनुमान मंदिर के शिखर पर स्थित सियाराम व अन्य देवालयों का पाठोत्सव 9 से 23 जून 2024 तक मनाया जाएगा। 9 जून को सियाराम जी का पाठोत्सव भक्तजनों व संत महंतों की उपस्थिति में मनाया जाएगा। प्रबंध समिति ने पाठोत्सव के कार्यक्रमों के लिए समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। राजस्थान में तेज गर्मी से लोगों को अब राहत मिलनी शुरू हो गई। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया। जयपुर में दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया। आसमान में बादल छाने के साथ हवा चलनी शुरू हुई। तेज रफ्तार से आंधी चली और आसमान में मिट्टी का गुबार छा गया। दोपहर बाद शुरू हुआ ये दौर लगातार चलता रहा। फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड की स्टार कास्ट ने फिल्म का प्रमोशन किया। ये फिल्म इस महीने 21 जून को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में रोहित सराफ, जीब्रान खान, नैला ग्रेवाल और पश्मीना रोशन पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में जैन जी के नजरिए से प्यार और रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाया गया है। फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी व जया तौरानी है।
फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में टीम की स्टार कास्ट ने शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बात की। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता रोहित सराफ ने बताया कि उनकी यह नई फिल्म इश्क विश्क से बिल्कुल अलग है। ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा शाहिद कपूर और अमृता राव अभिनीत इश्क विश्क की फ्रेंचाइजी को आगे जरूर ले जाती है। पिछली फिल्म का संगीत बेहद पसंद किया गया था, इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पुराने गाने इस फिल्म में बरकरार रखे गए हैं। इस फिल्म में पश्मीना रोशन, नैल अग्रवाल व जीब्रान खान आदि सभी युवा प्रतिभाएं हैं और फिल्म के निर्देशक निपुण अविनाश धर्माधिकारी की भी ये पहली फिल्म है। कुल मिलाकर यह युवा व ताजा प्रतिभाओं की पेशकश है। मैं इस फिल्म में राघव का किरदार निभा रहा हूँ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है, बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।